जब विजय होगा तो आपका नाम होगा भाई। अभी आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी, आप नेशनल लीडर नहीं बनेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग जब वो फोटो, उस आंदोलन का फोटो अपने घर में लगाएंगे तो बेटा तो कुछ नहीं कहेगा, बहू कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जब आपका पोता बड़ा होगा ना वो बोलेगा ये है मेरा शेर दादा, दिल्ली जाके मोदी से झगड़ के अपना हाथ लेके आया, अनेकों लोगों के, लाखों लोगों के लिए लड़ा था, ये मेरा दादा है। ऐसे आप अमर हो। मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर जाने के बाद भूल जाओगे, भूल तो नहीं जाओगे। ये आप अपने लिए करो, आंदोलन आप सबके लिए करो, लेकिन खुद के लिए आपको ये उसका रिवार्ड मिलेगा कि जब आप वापिस आके फोटो टांगेंगे ना वहां पे, फोटो निकालना वहां पे, ये सारी जनता है वहां आप भी हो, नारा लगाए हो, फोटो लगाओ, पेंशन मिलने के बाद आपको विजय उत्सव मनाने का की खुशी होगी, अधिकार होगा। घर में बैठ के जीतने के बाद गुलाल लेके आने वाले बहुत है, लेकिन जाके लड़के गुलाल ले जाने का आनंद कुछ और है। बराबर है? ये है। मैं आपको पूछता हूं, जब हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज जो लड़ाई लड़ते थे, किसी भी धर्म जाति के हो, किसी भी राजा के लिए हो, तो क्या घर से मेवा लेके जाते थे क्या? तो घर से कुछ खाना बना के वहां स्लीपिंग का अरेंजमेंट वहां पे, वो कैसे पैदल चल पड़ते थे, कोई घोड़े पे चल पड़ते थे तलवार लेके, जहां मिला वहां खाया, बाकी रोटी चार चार दिन की लेके चलते थे। शिवाजी महाराज का सैन्य ऐसे ही चलता था, चार रोटी ली, फिर कहीं से मिर्ची उखाड़ी, कैसे प्याज ले लिया, नमक ले लिया, नमक के साथ खा लिया, चलते थे। तभी युद्ध होता है। आंदोलन युद्ध से कम नहीं है, हमको भी वैसे ही चलना है। वहां रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, अरे तो जनरल में बैठो ना, जनरल में बैठो, तीन दिन का मर जाओगे। बात सही है कि झूठ है? सही है कि झूठ है? मरेंगे हम तीन दिन। एक आपके हैदराबाद से गाड़ी चलती है, बार मामकली से चलती है, सिकंदराबाद से चलती है, दिल्ली जाने वाले कोई भी गाड़ी में जनरल में बैठ जाओ, बैठो और चलो अपने घर की रोटी लेके तीन दिन की, कोई खर्चा नहीं आएगा आपको। एक जनरल का टिकट निकालो, ज्यादा संख्या तो मत निकालो, लेकिन चलो वहां जाके लड़ो, वापिस आ जाओ। ये आप करो,